नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं इस वक्त CTN भारत। वही खबर छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश से देखने को मिल रही है, जहां पर कोरोना कर्फ्यू का असर साफ देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों से कोरोना संक्रमण के मामलों की रफ्तार में लगातार गिरावट देखी जा रही है, परंतु प्रशासन के सामने एक और नई चुनौती खड़ी हो गई है, जिसे ब्लैक फंगस नामक बीमारी के नाम से जाना जा रहा है। वहीं छिंदवाड़ा में भी ब्लैक फंगस की दस्तक के चलते जिला प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। देखिए खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों में अब कोरोना कर्फ्यू का असर मरीजों के आंकड़ों से लगा सकते हैं। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी भी देखी जा रही है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों में लगभग 6000 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। बता दें कि डेढ़ महीनों में यह सबसे कम आंकड़ा रिकॉर्ड किया गया है। इसी आधार पर प्रदेश में मृत्यु दर आंकड़ों में भी कमी देखने को मिल रही है, जिसके बाद प्रदेश में कुल मौतों की संख्या बढ़कर लगभग 7000 के आसपास पहुँच गई है। हालांकि ये आंकड़े वह है जो मेडिकल बुलेटिन के द्वारा आम पब्लिक को दिखाए जाते हैं। यदि हम संदिग्ध मरीजों की बात करें तो इस आंकड़ों में कम से कम 10 गुना ज़्यादा भी लगाए तो भी कम समझ सकते हैं। गौरतलब है कि कोरोना अभी पूरी तरह गया नहीं, परंतु ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस के संक्रमण दिखना ये बेहद गंभीर विषय माना जा रहा है। वहीं छिंदवाड़ा में भी इस संक्रमण के 2 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। इस विषय में छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के डीन का कहना है कि जिले में अभी 2 व्यक्तियों की पुष्टि की गई है, जिन पर ब्लैक फंगस का संक्रमण देखा गया था। वहीं डीन ने यह भी बताया कि कोरोना के जो मरीज ठीक हो रहे हैं, उनमें ब्लैक फंगस की बीमारी देखने को मिल रही है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि अब ऐसे मरीज जो हाल ही में कोरोना से ठीक हुए हैं, उन व्यक्तियों को और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। CTN भारत से ब्यूरो रिपोर्ट, छिंदवाड़ा।